मौसम कितना अच्छा है, चलो हैंग आउट में मजे करते हैं। यस, मैं बहुत सारा खाने का सामान लाया हूँ। देख के नहीं चल सकते, आंखें नहीं है क्या? किसने कहा आंखें नहीं है क्या? किसने कहा? मैंने कहा। हम तो देख के ही चला रहे थे, बिना देखे कैसे चलाते हैं अभी बताते हैं। अरे, वो हमें टक्कर मारेगा, जल्दी निकलो यहाँ से। और देखना, बिना देखे कैसे चलाते हैं। अब तुम लोगों की मरम्मत करने का समय आ गया है। हमसे टक्कर लेने की कोशिश की थी ना, अभी सबका पहिया पंचर करता हूँ। रेवा, मैं समझ गया ये लोग कौन हैं। ये जेड सर की साइकिल स्टंट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। तभी इतना शो ऑफ कर रहे हैं। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। हे, तुम लोगों को मैं एक ऐसा स्टंट दिखाऊंगा कि तुम लोग आग बंद करके साइकिल चलाना भूल जाओगे। लेकिन पहले तुम सब आग बंद करो, मैं जब कहूंगा तब आग खोलना। ओके, हम भी देखते हैं क्या स्टंट दिखाते हो। आंखें बंद करके रखे, पीछा करो, बच के ना जाए। हमें उल्लू बनाया, तोड़ डालो इनकी साइकिल। शिवा सुनो, दोस्तों का पीछा छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ए बच्चे, धमकी देता है वो भी मुझे। बच्चा नहीं कहना भैया। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, अच्छा हुआ तुमने आके उनको बचा लिया, वरना मैं तो उनको धोने ही वाला था। धोने वाला था? साइकिल कंधे पे उठा के चोरों की तरह भाग रहा था ये। लोग लेट क्यों हो? सर, कुछ लोगों ने हमें परेशान किया तो हम उनको सबक सिखा रहे थे। सबक सिखा के ही आए हो ना, कहीं खुद भाग के तो नहीं आ गए? सर, हम सबक सिखा के नहीं, सीख के आ रहे हैं। एक लड़का है, क्या साइकिल चलाता है, वैसा स्टंट तो हमने कभी देखा नहीं। उसके जैसा स्टंट तो आप भी नहीं कर सकते। मैं सबसे बड़ा साइकिल स्टंट मास्टर हूँ, पूरे वर्ल्ड में मेरे रिकॉर्ड है। फिर कभी ऐसी बात मत करना। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? शिवा, शिवा नाम है मेरा।
तुम कह रही हो इस बच्चे के जैसा स्टंट कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। अच्छा जोक है। इससे ज्यादा अच्छे स्टंट तो तुम लोग कर सकते हो। क्यों बॉब? जी सर, यस सर। सर, अपने स्टूडेंट्स को मना कर दीजिए मेरे दोस्तों को परेशान ना करे। ये बिना बात मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। मैं मना तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स के साथ साइकिल स्टंट कॉम्पिटिशन करना होगा। अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, और अगर तुम स्टंट्स का मुकाबला करने से मना कर दोगे तो ये रोज तुम्हारे दोस्तों को परेशान करेंगे। आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मेरे स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं भी नहीं कर सकता। ओके सर, अगर आपकी यही शर्त है तो मंजूर है। लाओ शिवा, ऑयलिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम कुछ और करो। साई कुंग फू, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसे पढ़ के देखता हूँ। साई कुंग फू क्या होता है? साई कुंग फू का मतलब है साइकिलिंग से कुंग फू करना, ये भी एक तरह का स्टंट ही है। वाह, क्या क्या टेक्निक दी है? ये सब प्रैक्टिस करना होगा, अपनी साइकिल को इसके लायक बनाना होगा। मुझे शक है कि कंपटीशन के बाद भी वो लोग हमें आराम से जाने नहीं देंगे। हम लड्डू सिंह जी को भी साथ लेकर जा सकते हैं। यस, उनको भी बुला लेते हैं। यूरी लाओ, मैं ऑयलिंग करता हूँ। एक जगह तो एकदम सूखी है, वहाँ ऑयलिंग की जरूरत है। देखो अब तुम्हारा ब्रेन बहुत तेज चलेगा, उसे सर्विसिंग की जरूरत थी। आदि, मैं तुम्हें नहीं साइकिल चला रहा था। ये तो उसके पेंशन में लिखा होगा, या फिर उसके बगल वाले घंटियां बजा बजा के सिग्नल दे रहे होंगे कि चलते रहो, रुक जाओ, राइट मुड़ो, एक्सेट्रा। उनके कुछ कोड सिग्नल्स होंगे। शिवा, तुम ठीक कह रहे थे, वो लोग बार बार साइकिल की घंटियां बजा रहे थे। शिवा, वो लोग तो बहुत अच्छे स्टंट करते हैं, तुमको भी प्रैक्टिस करनी होगी। यस, प्रैक्टिस तो करनी होगी, किसी भी कॉम्पिटिशन को लाइटली लेना नहीं चाहिए। आज साइकिल को अच्छे से सर्विसिंग करूंगा, कल से प्रैक्टिस शुरू। शिवा, तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं दूंगा, ओके? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये बताएगा कि साइकिल उठा के चुपचाप कैसे भागते हैं। Shiva, 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 Shiva.